अब हम शुरू करते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का ये एक एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा और क्या बनेगा। आइए जानते हैं। इट इज़ गिवन बाय डाई एल्डिहाइड और डाइकीटोन्स, मेनली इन डाइकीटोन्स। ये डाई एल्डिहाइड और डाइकीटोन में होता है, यानी कंपाउंड के अंदर दो एल्डिहाइड या दो कीटोनिक ग्रुप होने चाहिए, लेकिन मेनली जो होता है ये डाइकीटोन में होता है। 2,5, 2,6, 2,7 डाइकीटोन अंडरगो इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन टू गिव साइक्लिक रिंग। अगर आपके कंपाउंड में डाइकीटोन की पोजिशन 2,5 या 2,6 या 2,7 है, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगा। आइए देखते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक ये स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, बल्कि इधर से किया हुआ है, थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग उस साइड से आएंगे। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब मैं बोलूं कि आप इसकी आयुर्वेदिक नेमिंग कीजिए, तो आप देखिए वर्ड रूट 6 है, हेक्स हो गया, और हेक्स में क्या लगा, कीटोन लगा, डाइकीटो कहां पे लगा, 2,5 पे लगा है, तो आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, हेक्सेन 2,5 डाइऑन। क्लियर है, डाइकीटोन है ये 2,5, ये हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है। डायल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जब इसको ट्रीट कराएंगे तो बच्चों यहां पर ये मॉलिक्यूल के अंदर ही कंडेंसेशन होगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि एल्डोल रिएक्शन हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरा मॉलिक्यूल यूज नहीं होगा। और देखिए यहां पे बना ये आपका साइक्लिक एल्डोल, और फिर बाद में इसको हीट किया तो यहां से आपको बन गया इनॉन। बताया था आपको ये साइक्लिक इन ऑन है। आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं, भाई कैसे बना। तो पहले स्टेप में आप जानते हैं एल्डोल, आप देख चुके हैं, नहीं देखे तो वीडियो देखिए पहले वाला, उसमें आप जानते हैं कि पहले स्टेप में कार्बेनाइन बनता है अल्फा कार्बन से। तो सर यहाँ पे तो दो अल्फा है, अरे भाई ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो सर दोनों ही एक्टिव है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो यहां से अल्फा से निकाला तो देखिए क्या होगा, अल्फाबेट एक हुआ, तो यहां से बेस आया, बेस ने क्या किया, H प्लस को बाहर निकाला, 6 कार्बन पे हम लोग अटैक करा रहे हैं, आप चाहे तो फर्स्ट भी करा सकते हैं। तो 6 पे जब अटैक होगा या फर्स्ट पे अटैक होगा तो वहां से बनेगा आपका कार्बेनायन, आप देख पा रहे हैं कार्बेनायन बना पहले स्टेप में और लॉस हुआ वाटर मॉलिक्यूल का। अब ये जो बना है आपका कार्बेनायन, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, और ये जो आपका कीटोनिक ग्रुप है मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे वाला, ये उस पर अटैक कर देगा। कैसे अटैक करेगा, थोड़ा सा मैंने इस मॉलिक्यूल को, इस आयन को, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मोड़ लिया है ऐसे करके, थोड़ा एज्यूम कीजिएगा कैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सेम टाइम यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी और यहां से कार्बेनायन यहां पे अटैक कर देगा। क्या आप देख पा रहे हैं कितने कार्बन फ्यूज होने वाले, कितने कार्बन कंबाइन होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन कंबाइन होंगे और एक रिंग बनेगा। सर 5 कार्बन कंबाइन होंगे और एक रिंग बनेगा, ये देखिए रिंग बन चुका है 5 कार्बन का। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये अगर काउंटिंग किया तो 6 नंबर था, नंबरिंग फिर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 का और सेकंड कंबाइन हुए हैं। तो मान लीजिए हमारा ये सेकंड कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है, नंबरिंग कर लेते हैं इस पे, तो यहां पे सेकंड पे एक तो हो जाएगा, इसको दिखाते हैं ओ माइनस, O माइनस, और यहां पे आपका CH3। अब काउंटिंग फिर से करते हैं सर, क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखिए 6 कार्बन और सेकंड कार्बन कंबाइन हुआ था, रिंग बना 5 मेंबर्ड, और हाँ ये देखिए यहां पर 5th कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप भी है, तो यहां पे कीटोनिक लगा दीजिए सर, और इसको नंबरिंग करेंगे तो ये नंबर 5 हो गया। अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल आएगा और उससे ये क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, और जब H प्लस ले लेगा आपको पता है कि वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, तो यहां पे ग्रुप कौन सा आ जाएगा, सर यहां पे ग्रुप आ जाएगा आपका एल्कोहलिक, ये आप देख पा रहे हैं, और यहां पे हो गया आपका OHCH3। आपको पता है कि हीट करने पर एल्डोल जो होता है साइक्लिक एल्डोल है जी, यहां पे मैं लिखूंगा साइक्लिक एल्डोल,
और साइक्लिक एल्डोल हो या कोई भी एल्डोल हो, कीटोल हो, हीट करने पर वहां से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होगा, यहां से OH आएगा, और यहां से दो चांसेस हैं, लेकिन मैं मेजर वाला लूंगा, एग्जाम में मेजर वाला पूछते हैं, आप दोनों बना के देख सकते हैं। तो यहां पे हमने वो लॉस ऑफ वाटर दिखाया और मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कैसे हुआ रिएक्शन। अब आप देखिए कि यहां पर जी ये देखिएगा, यहां से वाटर ऐसे निकलता है, इसको ये H और ये OH पानी बन के बाहर निकल गया, माइनस H2O, पिंक से दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जो स्ट्रक्चर बना है उसको थोड़ा सा देखिए कि आपको क्या मिला, यहाँ पे बचेगा CH3, बॉन्ड डबल हो चुका है और यहाँ पे डबल है। सर इसको देखिए, ये है ईनॉन, ये आपको बताया था कि आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर जो होता है आपका, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये एल्डोल नहीं बोलेंगे, किसको आप कीटोल बोलेगा, साइक्लिक कीटोल, ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, दिस विल बी साइक्लिक कीटोल, और कीटोल है ये, और कीटोल से आपका क्या बना है, इनोन बना है आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर, क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं यही आपने बनाया था ऊपर रिएक्शन में। काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, काउंटिंग कहां से करेंगे सर, यहां से होगा 1, 2, 3, थर्ड पे लगा था मिथाइल, देखिए यहां पे देखिए 1, 2, 3, थर्ड पे लगा है मिथाइल, क्लियर है आपको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर घुमाया हुआ है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर को आप घुमाएंगे तो यही पाएंगे आप नंबरिंग करके देख सकते हैं, आपको डाउट नहीं आना चाहिए, इट्स अ 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3, बल्कि थोड़ा सा यहां से कीजिएगा, इट्स अ 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3, 3 पोजीशन पे लगा है मिथाइल, यहां पे शुरू करते हैं 1, 2, 3, देख पा रहे हैं आप सेम कंपाउंड है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, थैंक यू।